इंट्रोडक्शन। इकिगाई कैसे मेरी मदद करता है? लंबे उम्र और खुशी के लिए जापान वालों से सीखिए। क्या हो अगर लंबी जिंदगी, मतलब और आनंद एक ही जगह से आते हैं? ये पुस्तक आपको समझाती है जीने का मकसद, आपका लक्ष्य और लंबी उम्र के बारे में जापानी सोच। अपने इकिगाई को ढूंढना और कुछ आसान स्वास्थ्य सलाहों का पालन करना आपको लंबा, पूरा और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है। आप ये भी सीखेंगे, क्योंकि फ्लो बहुत जरूरी है। कराओ के आपको जवान रखता है और दोस्ती आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेसन: अ मीनिंगफुल पर्पस इन लाइफ इज की टू लॉन्जेविटी। इंटरेस्टेड इन लंबी, हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ, कौन नहीं है? दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस, 100 साल से ज्यादा जीने वाले, दक्षिण जापान के ओकिनावा में रहते हैं, जहां सीक्रेट शायद खुल सकता है। लोगों की लंबी उम्र का सीक्रेट इकिगाई हो सकता है, जो आपके जीने का मकसद या किसी खास प्रोफेशनल काम के लिए आपकी ड्राइव है। ये आपके पैशन, एबिलिटी, करियर और दुनिया की जरूरतों का भी कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे जापानी मानते हैं कि हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार या इकिगाई होता है। कुछ लोग अपने इकिगाई को तुरंत ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ को ढूंढने में मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप दूसरे ग्रुप में आते हैं तो कोशिश करते रहो, इकिगाई आपको सुबह उठने के लिए मोटिवेट करेगा। ओकिनावन लोग अपने रोजमर्रा के काम में स्पेशलाइज करते हैं और बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। एक ओकिनावन पेंट ब्रश फैक्ट्री में राइटरों को एक ऐसी क्राफ्ट सुमन मिली जिसने अपनी पूरी जिंदगी ब्रश के बाल लगाने में परफेक्ट होने में लगा दी। अपने करियर के इस पॉइंट पर वो बहुत ही शानदार तरीके से और एक्सपर्टीज के साथ काम कर रही थी। इसीलिए इकिगाई लंबी उम्र का भी सीक्रेट है। अगर आपका इकिगाई आपका काम है तो कभी रिटायर मत हो। ये जरूरी है कि आपका इकिगाई वाला टाइम मायने रखता रहे और एंजॉय करने वाला हो। ओकिनावा के लोग इन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और बुढ़ापे में भी एक्टिव रहते हैं। अगर उन्हें रिटायर होने के लिए मजबूर किया जाए तो भी गार्डनिंग और कम्युनिटी वर्क उन्हें बिजी रखता है। इस डेडिकेशन का रिवॉर्ड साफ दिखता है। ओकिनावा के सेंटिनेरियंस पर हुई मेडिकल रिसर्च में बहुत कम हार्ट डिजीज और डिमेंशिया रेट्स रिपोर्ट हुए। आप अगले लेसन में देखेंगे कि एक्टिव माइंड कैसे उम्र बढ़ाता है। लेसन: लाइफ लॉन्ग हेल्थ डिपेंड्स ऑन मेंटल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि हेल्दी माइंड और बॉडी ग्रेसिफुल एजिंग के लिए बहुत जरूरी हैं, हालांकि माइंड को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। अच्छी हेल्थ के लिए माइंड की हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। इसीलिए इसे नजरअंदाज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपके बॉडी और इमोशंस को नुकसान पहुंचाती है, उसी तरह माइंड वर्क की कमी आपके न्यूरल कनेक्शंस को कमजोर कर देती है। इसलिए अपने दिमाग को अलग अलग तरीकों से ट्रेन करना बहुत जरूरी है। न्यूरोसाइंटिस्ट श्लोमो ब्रिजनिट्स का दावा है कि उम्रदराज लोग अपना माइंड फ्लेक्सिबल नहीं रख पाते, क्योंकि वो रूटीन में फंस जाते हैं और नई चीजों से बचते हैं। आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज कैसे करा सकते हैं? शतरंज या ताश जैसे बेसिक कॉग्निटिव गेम्स भी काम करेंगे। अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो घर से बाहर निकलना, दूसरों से मिलना और सोशलाइज करना सबसे बेस्ट ब्रेन वर्कआउट है। लंबी उम्र का दूसरा टिप है स्ट्रेस से बचना, क्योंकि स्ट्रेस शरीर और दिमाग को कमजोर कर देता है। कुछ स्टडीज ने स्ट्रेस को प्रीमैच्योर एजिंग से जोड़ा है। हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक एम्बिशियस डॉक्टर को मुश्किल जॉब इंटरव्यूज दिए जिनमें उन्हें कठिन मैथ्स के कैलकुलेशन करने थे। उनके ब्लड टेस्ट से पता चला कि इंटरव्यू के स्ट्रेस ने एंटीबॉडीज रिलीज कर दिए थे, जैसे उन्हें किसी वायरस या बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया हो। अगर ऐसा कोई खतरा होता तो ये इम्यून रिएक्शन उसे खत्म कर देता। लेकिन एंटीबॉडीज हेल्दी सेल्स को भी डैमेज करते हैं, जिससे शरीर तेजी से बूढ़ा हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस कम करना लंबी उम्र के लिए जरूरी है, और इसे कई मजेदार तरीकों से किया जा सकता है। शांत होने और अपने बॉडी और थॉट्स को समझने के लिए माइंडफुलनेस, योग या एक्सरसाइज ट्राई करके देखें। हालांकि ये लंबे समय के प्रिवेंटिव एक्शंस हैं। अगले लेसन में आप देखेंगे कि अगर आप स्ट्रेस की वजह से कोलैप्स होने के करीब हैं तो क्या करें। लेसन: मोरिटा ट्रीटमेंट, एन इंटेंस जापानीज थेरेपी, रिड्यूसेस स्ट्रेस। थोड़े ही लोग हैं जो एंग्जाइटी, बर्नआउट और स्ट्रेस से बच सकते हैं, जो आजकल की लाइफ में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। जापान में भी वर्क कल्चर काफी डिमांडिंग है,
लेकिन जापान के पास एक ऐसा टूल है जो दूसरों के पास नहीं है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मोरिटा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। साइकोथेरेपिस्ट और बुद्धिस्ट शोमा मोरिटा ने यह मेथड बनाया था। इसे लगातार रहने वाली एंग्जाइटी, ऑब्सेशंस और कंपल्शन के लिए बनाया गया था। ये स्ट्रेस और थकावट को भी कम करने में मदद करता है। पश्चिमी थेरेपीज जो इमोशंस और बिहेवियर को बदलने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करती हैं, उनसे मोरिटा थेरेपी अलग अप्रोच लेती है। मोरिटा थेरेपी मरीजों को उनके इमोशंस को एक्सेप्ट करने और उन्हें समझने के लिए प्रोत्साहित करती है, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। फिर वो नए इमोशंस को डेवलप करने के लिए स्टेप्स लेते हैं जो पुराने इमोशंस को रिप्लेस कर दें। इस ट्रीटमेंट में चार फेज होते हैं जो पूरी तरह से आराम करने से शुरू होते हैं। मरीज को एक हफ्ते के लिए बिस्तर पर सुलाया जाता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। वो कोई मीडिया कंज्यूम नहीं कर सकती, कोई मेहमान नहीं रख सकती या बात नहीं कर सकती है, और उसकी इंसानों के साथ इंटरैक्शन सिर्फ साइकोथेरेपी सुपरविजन तक ही सीमित रहती है। इस स्टेप में मरीज अपने इमोशंस को बदलते हुए देखती है। दूसरे फेज में मरीज अपनी डेली रूटीन में रिपीटेड टास्क शामिल करती है। इनमें जर्नलिंग, वॉकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज शामिल हैं। तीसरे लेवल में इन एक्टिविटीज के साथ वुड कटिंग और पेंटिंग को भी शामिल किया जाता है। इन एक्टिविटीज के बाद मरीज को खुशी, शांति और इन्वॉल्वमेंट महसूस होता है। तीन फेज के बाद मरीज चौथे स्टेप के लिए तैयार हो जाती है, दुनिया में वापस शांत और मकसद के साथ आना। लेसन: एंजॉयिंग एन एक्टिविटी में कीप यू यूथफुल। इमेजिन कीजिए, आप किसी प्यारी सी बर्फीली पहाड़ी पर स्कीइंग कर रहे हैं। स्कीइंग आपका पैशन है और आप पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। अगर आप ये हमेशा के लिए कर सकते हैं तो शायद आप हमेशा के लिए जीना चाहेंगे। गुड न्यूज, ऐसी एक्सरसाइज आपकी लाइफ बढ़ा सकती है। रेगुलरली फ्लो अचीव करने से आप यंग रह सकते हैं। 1970s में साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिकजंतमिहाली ने फ्लो शब्द वाई मिसले इज चेक फॉर इन्वेंटेड राइट इट इन देवनागरी एज वाई मिसले किया। ये बहुत ज्यादा संतुष्टि और फोकस को दर्शाता है जो बाकी सब चीजों को, समय को भी फिल्टर कर देता है। ऐसी एक्टिविटीज ढूंढना जो ऐसी कंडीशन को जगाए आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन और लॉन्गेविटी बढ़ा सकती है। इसलिए ऐसे एक्सपीरियंस को ओवरराइटिंग ड्रग मिसयूज और मीडिया एंटरटेनमेंट जैसे हेडोनिस्टिक चीजों से ऊपर प्रायोरिटी दी जानी चाहिए जो लोग आमतौर पर बोरियत से करते हैं। फ्लो अलग अलग सभ्यताओं और लोगों में भी कॉमन है। चेस प्लेयर्स, इंजीनियर्स और आर्टिस्ट सभी फ्लो में जा सकते हैं। इसके अलावा ये दिमाग के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये आपको एक चीज पर फोकस्ड रखता है। आपका इकिगाई, आपका मैन लाइफ का ऑक्यूपेशन रेगुलरली फ्लो क्रिएट करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं करता तो ध्यान दें कि आपके शौक ऐसा करें। हालांकि फ्लो को एक्सपीरियंस करने के लिए डिफिकल्टी को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई आसान एक्टिविटी चुनते हैं तो आप बोर हो जाएंगे और आपका ध्यान भटक जाएगा जो फ्लो को रोक देगा। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी बहुत मुश्किल है तो आप स्ट्रगल करेंगे, परेशान महसूस करेंगे और छोड़ देंगे। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें। किसी नई भाषा को शुरुआती लेवल पर सीखना आपको धीरे धीरे पुश करेगा। आप कोई नई कोडिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से थक चुके हैं। अपने शौक को नए तरीकों से एक्सप्लोर करके आप दोबारा फ्लो डिस्कवर कर सकते हैं। लेसन: अ फ्यू इजी टिप्स फ्रॉम ओल्ड टाइमर्स मे एक्सटेंड योर लाइफ। भले ही आप लंबे समय तक जीने के कुछ तरीके जानते हैं, लेकिन असल में लंबे समय तक जीना सिर्फ वो ही जानते हैं जो इसे जी रहे हैं। आइए ओकिनावा के सेंटिनेरियंस, 100 साल से ज्यादा जीने वाले, के सुझावों को देखें। ये बुजुर्ग लोग आपको कम फिक्र करने और अनजान लोगों से मुस्कुराहट और खुले दिल से मिलने की सलाह देते हैं। उनका दावा है कि इससे आपके कई दोस्त बने रहेंगे और आपके नाती पोते आपसे अक्सर मिलना चाहेंगे। ये लगातार मिलना आपको जवान रखेगा। वो ये भी सलाह देते हैं कि उन चीजों के बारे में फिक्र न करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते, क्योंकि इससे सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है। ये सोचने में अपनी लाइफ एनर्जी बर्बाद मत करो कि आप काफी अच्छे नहीं हो या आपका कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं रहा। सेंटिनेरियंस कहते हैं कि आपके पास जो है उसकी कद्र करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको शायद ये पता चले कि आपके पास उम्मीद से ज्यादा है। लंबी उम्र के लिए हेल्दी आदतें बनाना सेंटिनेरियंस का एक और टिप है। सुबह जल्दी उठना एक आदत है जो कुछ सालों बाद बन जाती है। इसके अलावा
सुबह जल्दी उठने से आपको सुबह में चाय पीने, सफाई करने और गार्डनिंग करने का ज्यादा समय मिलता है। आखिरी चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि ओकिनावा के सेंटिनेरियंस मानते हैं कि अपना खुद का खाना उगाना और बनाना उनके लंबे समय तक जीने का एक मुख्य कारण है। गार्डन से टेबल तक की डाइट हेल्दी होती है, तो ये समझ में आता है। लंबी उम्र के लिए शायद सबसे जरूरी आदत दोस्ती का मजा लेना और उसे बनाए रखना है। ओकिनावा के लोग इसे जानते हैं और रोजाना अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करते हैं। लेसन: ओकिनावन मैजिक डाइट्स एम्फसाइज डाइवर्सिटी एंड मॉडेस्ट क्वांटिटीज। जापान दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा उम्र वाला देश बनने के बाद से उसका खाना सुर्खियों में छाया हुआ है। ओकिनावा के रहने वाले लोग और भी ज्यादा लंबा उम्र जीते हैं। 1970 से रायक्यूस यूनिवर्सिटी के हार्ट डॉक्टर मकोतो सुजुकी ने यह जानने के लिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ओकिनावन डाइट को स्टडी किया। उन्होंने जो पाया, ओकिनावन डाइट में बहुत सारी वैरायटी वाली चीजें होती हैं। इस आइलैंड के रहने वाले हर रोज 206 चीजें खाते हैं, जिनमें हर्ब्स और मसाले भी शामिल हैं। वो हर रोज 5 फल और सब्जियां खाते हैं। डाइवर्सिटी का ख्याल रखने के लिए वो हर रंग की सब्जियां खाना पसंद करते हैं, जिससे उनकी प्लेट में इंद्रधनुष के सारे रंग दिखाई देते हैं। हो सकता है इसी वैरायटी की वजह से ओकिनावन डाइट थोड़ी फीकी लगे। उनका मेन स्टेपल राइस या नूडल्स होते हैं, और नमक और चीनी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ओकिनावा के लोग दूसरे जापानी लोगों के मुकाबले 60% कम चीनी और 50% कम नमक खाते हैं, जबकि जापानी लोग पहले से ही हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं। वैरायटी और छोटे पोर्शन बहुत जरूरी हैं। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि जब आप 80% फुल हों या थोड़ा भूख लगे तो खाना बंद कर दें। जापानी में इसका एक नाम है, हारा हाची बू। डेजर्ट न खाने या थोड़ा कम खाकर हासिल किया जाता है। ओकिनावा के लोग इसे फॉलो करने के लिए छोटी प्लेटों में राइस, सब्जियां, मिसो सूप और एडामे बीन्स सर्व करते हैं। वो सहज रूप से ये जानते हैं कि कम खाना हेल्दी होता है, और आजकल की साइंस ने भी इसे साबित कर दिया है। कम कैलोरीज खाने से आप इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को कम कर सकते हैं। ये प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में सेल एजिंग को बढ़ावा देता है, इसीलिए कम खाना उम्र बढ़ाता है। लेसन: रिजुविनेशन एंड लॉन्जेविटी नीड एंटीऑक्सीडेंट रिच मील्स। रीसेंट ईयर्स में सुपर फूड्स ने खाने को दवाई की तरह खाने का रेवोल्यूशन कर दिया है। जापान के कुछ ऐसे ही फूड्स को ट्राई करने लायक है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी सबसे पहली चीज है। रीसेंट स्टडीज से पता चला है कि ये ट्रेडिशनल ओकिनावन ड्रिंक उम्र बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरी चायों के उलटे ग्रीन टी को हवा में सुखाया जाता है और फर्मेंटेड नहीं किया जाता है। इससे उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी शामिल हैं, प्रिजर्व होते हैं, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर को मैनेज करता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इन्फेक्शन को रोकता है। इस कमाल की ड्रिंक को और भी बढ़िया बनाने के लिए ओकिनावा के लोग ग्रीन टी में जैस्मीन मिलाते हैं। ये हर्ब इम्यूनिटी और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बढ़ाता है। हर किसी को ग्रीन टी पसंद नहीं होती। आप व्हाइट टी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें ग्रीन टी से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्या कोई ऐसा ओकिनावन सुपरफ्यूड है जिसे खाया जा सके? ओकिनावा के लोग शिकवासा को बहुत पसंद करते हैं, जो एक ऐसा सिट्रस फ्रूट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसकी एसिडिटी की वजह से इस ट्रेडिशनल जापानी फ्रूट को खाने से पहले पतला करना होता है। इसमें नोबिलेटिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर प्लांट कंपाउंड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नोबिलेटिन नींबू और संतरे में भी पाया जाता है, लेकिन शिकवासा में ये 40 गुना ज्यादा होता है। इसलिए ये फ्रूट ओकिनावा में काफी पॉपुलर है, जहां इसे कई मील्स और पेस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये रेयर जापानी सिट्रस मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर ऐसा है तो चिल करें, आप दूसरे सिट्रस फ्रूट्स, ब्रोकली, सैल्मन, स्ट्रॉबेरी या एप्रिकॉट ट्राई कर सकते हैं, जिनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। लेसन: इवन बेसिक मूवमेंट इज एसेंशियल टू अ लॉन्ग लाइफ। आपने कभी ऐसे एनर्जेटिक बुजुर्ग लोगों को देखा है? वो शायद इसलिए इतना लंबा जीवन जी सके क्योंकि वो एक्टिव थे। लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है, और ये बहुत ज्यादा जोरदार नहीं होना चाहिए। ओकिनावा के रहने वाले स्पोर्ट्स और फिटनेस से ज्यादा रेगुलर मूवमेंट को महत्व देते हैं।
बुजुर्ग ओकिनावा के लोग घूमते रहते हैं, गार्डनिंग करते हैं और कराओ के बार में गाते हैं। उनकी सीक्रेट सिर्फ तीव्रता नहीं बल्कि लगातार एक्टिविटी है। अगर आप उन पर यकीन नहीं करते तो आजकल की साइंस को देखें। हेल्थ एक्सपर्ट गेविन ब्रैडली के अनुसार बैठे रहना आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है। कुर्सी पर 30 मिनट बैठने के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे फैट का डाइजेशन खराब हो जाता है। साथ ही 2 घंटे से ज्यादा बैठने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। हर आधे घंटे में 5 मिनट के लिए उठना इन इफेक्ट्स को कम कर सकता है, लेकिन ज्यादातर ऑफिस वर्कर ये भूल जाते हैं। ओकिनावा के लोग ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से वर्कआउट करते हैं। ओकिनावा और जापान के लोग वार्म अप के लिए रेडियो टाइसो करते हैं। ये बड़े ग्रुप्स में सुबह या दिन में किया जाता है। ओकिनावा के स्कूल, कंपनियां और ओल्ड एज होम अक्सर हर सुबह साथ में ये एक्सरसाइज करते हैं। ये टर्म इस रूटीन के रेडियो ब्रॉडकास्ट ओरिजिन से आया है। ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन वर्कआउट देखते हैं या करते हैं। वर्कआउट आसान होते हैं। आप अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठा सकते हैं और उन्हें अपने साइड से सर्कल में नीचे ला सकते हैं। इसका लक्ष्य यह है कि हाथ और शोल्डर जॉइंट्स और मसल्स को धीरे धीरे वार्म अप किया जाए। फाइनल समरी, इस किताब का मेन पॉइंट, लंबी खुशहाल और हेल्दी जिंदगी के लिए सही खाना और एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन लंबा जीवन जीना सिर्फ इन बेसिक चीजों से ज्यादा है। अपनी एनर्जी को फोकस करने और अपनी लाइफ को लंबा करने के लिए एक डेली पर्पस ढूंढो।